हेलो दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग का 236 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे, कितनी वारंटी मिलेगी, क्या क्या इसके अंदर सामान है, कैसी एक्सेसरीज लगी है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेफ्रिजरेटर आएगा वो कुछ इस लुक में आएगा। 236 लीटर ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग का रेफ्रिजरेटर आता है। ये आपका जो इसके अंदर मेन फीचर होंगे कि 15 दिनों तक इसके अंदर फ्रेशनेस रहती है। स्मार्ट सेंसर फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस, 31% फास्टर आइस मेकिंग और सोलर एनर्जी रन। अगर आपके घर में पैनल भी लगा है, सोलर पैनल, तब ये उस पर भी आपका रेफ्रिजरेटर चल जाएगा। मेन फीचर बताता हूँ आपको, ये लेटेस्ट 2023 का मॉडल है। इसका मॉडल नंबर जो होगा RT28C3021GSHL। ये आपका 2023 का मॉडल होगा लेटेस्ट। और ये जो आपको बारकोड दिख रहा है, बारकोड होता है कि आप इसको स्कैन करेंगे तो इसमें मॉडल नंबर और कितनी बिजली आपका ले रहा है पूरे साल में वो निकल के आ जाएगा। बात करें इस रेफ्रिजरेटर की वारंटी की, तो ये एक साल की कंप्लीट वारंटी के साथ आता है और ये आपको 20 साल की कंप्रेशर वारंटी के साथ आता है। साथ ही साथ कनेक्ट इन्वर्टर रन ऑन होम इन्वर्टर, जो पावर कंजप्शन है इसका वो 2 CFL बल्ब के बराबर है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। ये आपका जो स्टेबलाइजर का है वो आपका 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक आपको स्टेबलाइजर इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 21 साल इसके कंप्रेशर की रिलायबिलिटी है, जो टेस्टेड बाय VDE है। VDE में जहाँ पर सारे कंपनीज के कंप्रेशर चेक होते हैं, वहाँ पर इसमें 21 साल की रिलायबिलिटी है। अब मैं आपको उसका फ्रीजर दिखाता हूँ, उसके फ्रीजर में क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले इधर दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको 2 शेल्फ मिल जाएगी, आप इसमें अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि आपको कैसे चलाना है, सेटिंग है, टेम्परेचर रिकमेंडेशन है। और यहाँ आपको ट्रे मिल जाएगी पूरी। इसमें आपको पोर्टेबल आइस ट्विस्टर मिलेगा, वो नीचे वेजिटेबल बॉक्स में रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ से आप अपनी ऑप्टिमम रेफ कूलिंग को देख सेट कर सकते हैं पूरा। और ब्लोअर साइड आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आपकी कूलिंग को वो मिलेगा मूवमेंट। अच्छा, ये तो बात हो गई फ्रीज़र की। अब मैं आपको इसका फ्रीज दिखाता हूँ। फ्रीज में आपको शेल्फें मिलती हैं, 3 तो आपको शेल्फ मिल जाती हैं। और नीचे आपको टेम्परेचर कंट्रोल का पूरा वो मिल जाता है पैनल, यहाँ से आपका पूरा कंट्रोल होगा। और ये आपको LED मिल गई यहाँ पर, ताकि आपका जो सामान में जो रखा हो वो अच्छे से विजिबल हो। इजी स्लाइड है, मैं जो आपको बताता आज चुस्त वो वेजिटेबल बॉक्स में रखा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर और भी यहाँ पे आपको टॉल बॉटल गार्ड है, और एग के लिए आपको 2 वो दे रखे हैं कि आपके काफ़ी सारे एग आ जाएं एक बार में। तो ये जो गैसकेट है ये पूरी रिमूवेबल होती है, वॉशेबल होती है, आप इसको निकाल के क्लियर कर सकते हैं एक बार जब भी आपको करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।